आर्टिकल 377 के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अगर आपने इस बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि ये LGBTQ कम्युनिटी को लेकर है। LGBTQ का मतलब है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर। इस आर्टिकल के अनुसार अब सरकार ने सेम सेक्स मैरिज को अब लीगल कर दिया है, लेकिन अभी भी ये सोसाइटी बहुत हद तक ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। तो आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हम सब जानते हैं पर। तो LGBTQ कम्युनिटी के बातों को आगे बढ़ाते हुए हम आज कुछ ऐसे एक्टर्स के बारे में जानेंगे जिन्होंने गे होने के बावजूद बॉलीवुड में बड़ा नाम किया है। इनकी इस कहानी में हम ये भी जानेंगे कि कैसे इन्होंने ट्रुथ को एक्सेप्ट किया और कभी भी गे होने के कारण सोसाइटी के सामने नहीं झुके। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है बॉलीवुड का सबसे मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर करण जौहर का। शायद ही बॉलीवुड को रेगुलर फॉलो करने वाले इस इंसान के बारे में नहीं जानते होंगे। इन्होंने हर प्लेटफॉर्म पर टाइम टू टाइम ये एक्सेप्ट किया है कि ये गे हैं। इन्होंने 1996 में कुछ कुछ होता है फिल्म और 2001 में कभी खुशी कभी गम जैसी सुपरहिट फिल्में की है। 2017 में इन्होंने अनसुटेबल बॉय के अंदर अपने गे होने की बात कही है और इसके अलावा AIB जैसे कॉमेडी शो में एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये गे हैं। इसके अलावा फिल्म अवार्ड शो और अपने टॉक शो कॉफ़ी विद करण में भी इन्होंने गे होने के कई हिंट्स दिए हैं। अब इसके बाद नाम आता है वासु पिमलानी का। ये एक स्टैंड अप कॉमेडियन है जो कि सोशल इश्यूज जैसे रेप, वुमेन क्राइम पर भी काम करते हैं। इन्हें 2015 में नारी शक्ति पुरस्कार भी दिया गया था। इन्होंने भी एक प्रोग्राम में कहा था कि अभी भी इंडिया में सेम सेक्स रिलेशन को एक डिजीज़ या क्राइम के रूप में देखा जाता है। उसी शो में इन्होंने अपने लेस्बियन होने की बात कही थी। अब नाम आता है सोनाली बोस का। ये एक फिल्म प्रोड्यूसर, राइटर और रिनाउंड डायरेक्टर हैं। इन्होंने 2005 में अपने नावल पर एक फिल्म बनाई अम्मू और वहाँ से इनकी फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। इसके बाद इन्होंने मार्गरिटा विद अ स्ट्रॉ और स्काई इज पिंक जैसी शानदार मूवीज़ बनाई है और इन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। सोनाली ने भी ओपनली अपने बायसेक्सुअल होने की बात को एक्सेप्ट किया है। इसके बाद आते हैं सुशांत दिवेकर। सुशांत एक मॉडल, एक्टर, सिंगर और वीडियो जॉकी हैं। इन्होंने साल 2014 में मिस्टर गे इंडिया का खिताब जीता था और फिर उसी साल मिस्टर गे वर्ल्ड में इंडिया को रिप्रेजेंट भी किया था। इन्होंने बिग बॉस में भी पार्टिसिपेट किया था। अब आते हैं वेंडल रॉड्रिक्स। इस बॉलीवुड स्टार और फैशन डिजाइनर ने गे लोगों के लिए इंडिया में बहुत आवाज़ उठाई है। इन्होंने खुले तौर पर कहा है कि गे होना कोई जुर्म नहीं है। 2014 में भारत सरकार की तरफ से इनको पद्मश्री भी मिला है। सैडली 2020 में इनकी मृत्यु हो गई थी। आखिरी नाम आता है परवेश शर्मा का। ये एक न्यूयॉर्क बेस्ड इंडियन फिल्म मेकर, ऑथर और जर्नलिस्ट हैं। इनकी बुक ए जिहाद पर लव पर बनाई गई इनकी खुद की फिल्म ने गे और लेस्बियन मुस्लिम्स की लाइफ को दिखाया है। तो ये थे कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ जो LGBTQ कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल हम सब जानते हैं।